अस्सलाम वालेकुम। आज स्प्रिंग रोल बना रही हूँ तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। इसमें ये 1.5 टेबल स्पून ऑयल है, तो इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। पैन तो वैसे गरम ही है। ये देखिए, लहसुन मैंने लिए, गार्लिक, ये कम से कम 6 कलियाँ थी। थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए गार्लिक हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो ये मैंने अनियन लिए, ये आधी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी इसको भी हल्का ब्राउन कर लेते हैं। देखिए गाजर, एक बड़ी गाजर मैंने ली थी, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। बस इनको हल्का सा पकाना है, क्योंकि इसका क्रंच जो है वो ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो, तो इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं। और इसके साथ ही ये देखिए जो बीन्स हैं, ये थोड़े से मैंने बीन्स लिए थे, वो भी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब ये बंद गोभी भी इसी में, इसको भी डाल के थोड़ा सा पका लेते हैं। चलिए पक रहा है। तो ये 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट, थोड़ा कम ही लिया है 1/2 टीस्पून से, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है इसको। और ये सोया सॉस है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। 2 मिनट के लिए उसको मैंने पकने के लिए रखा है। तो ये देखिए, एक छोटा बाउल मैंने मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर है, और ये कॉर्न फ्लावर है, ये भी तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून लिए हैं। और उसके साथ ही देखिए 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, ये 1/2 टीस्पून नमक। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब ये देखिए, इसके साथ ही ये मैंने भर के 1 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है, इनको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं। ये देखिए, ये गूंद चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो इसके देखिए छोटे छोटे डो बना लेते हैं, बहुत छोटे बनानी है, बस इतने इतने। और मैं ना बाकी के भी डो इसी तरह से बना लेती हूँ। चलिए, तो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें अब इसको बेल लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं बेलना है, अभी इसको छोटा ही बेलना है। देखिए इसको मैंने इतना बड़ा है बेल दिया है, अब बाकी के भी मैं इसी तरह से बेलती हूँ। देखिए मैंने 3 1 साइज़ के बेले हैं, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, तीनों पर ही लगाऊँगी। इस पर ऑयल लगा कर तो ये देखिए हल्का सा जो है, ये फ्लावर जो है, प्लेन फ्लावर है, इसको इस पर रख कर अब ये देखिए इसको इस पर रख देते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब इसी तरह से इस पर भी ऑयल लगा लेंगे। कोई भी ऑयल आप लगाइए, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सिंपली। ये अब इस पर भी फ्लावर, अब इसको भी इसे कवर कर देते हैं बराबर करके। अब इसको बेल लेते हैं। अब इसको बेल लेते हैं और थोड़ा, तो चलिए इसको ना थोड़ा पतला बेल लेते हैं। देखिए इसको मैंने इतना बड़ा बेल लिया है, अब इसको सेक लेते हैं तवे पर। तवे को मैंने काफ़ी गरम कर लिया है, तो इसको गरम गरम पे ही बनाएंगे, तवा ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये अच्छी तरह से, ये नहीं है कि इसे रोटी की तरह बनाना है, बस इसको हल्का ऐसा समझे कि पकाना है खाली। देखिए एक साइड से ये हो चुका है, अब इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेते हैं।
चलिए देखिए ये हो चुकी है, ये देखिए छोटे छोटे इस पे बबल्स आ गए, तो अब इसको उतार लेते हैं। देखिए अब इसको खोल देते हैं, अलग कर लेते हैं रोटियों को हल्के आँच से। देखिए ये तकरीबन मैंने सारी बना ली है, और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। बस इनको अगर एक बार थोड़ा सा ट्राई करें, अच्छी बन जाती हैं। एक बार अगर थोड़ी सी ख़राब होगी तो बाद में बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इसको कितनी ये पतली बनी है, कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए अब इसकी फिलिंग भी भर लेते हैं इसमें। ये देखिए तैयार हो चुका है, मैंने जो है फ्लेम बंद कर दी थी, और इसमें मैं अब एक छोटा बाउल जो है पनीर भी ऐड कर रही हूँ। पनीर को पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको इसके साथ ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए फिर इसको फिल कर लेते हैं। 2 स्पून देखिए मैंने मैदा लिया है, और इसको थोड़ा सा पानी से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, पतला नहीं। देखिए ये इसको मैंने इतना गाढ़ा बना लिया है, अब इसको हम भरना शुरू करेंगे इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेंगे। अब मैं जो है मैदा लगाऊंगी इधर साइड पे, इधर इस तरह से। अब इसको सबसे पहले इस तरह से उठाकर ये इस तरह से फिल करेंगे, फिर ये और इस तरह चिपका देंगे। अब हल्के हाथ से, क्योंकि बहुत ही पतला है, तो इसको थोड़ा सा और कवर कर देते हैं इसी से, मैदे से। देखिए चलिए ये हो गया है, ये देखिए बिल्कुल हो गया है ये। इसको इस थोड़ा सा चिपका देते हैं। अब इस तरह से मैं बाकी के भी बना लेती हूँ। देखिए ये सारे बन चुके हैं, चलिए तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसको डीप फ्राई करना है, ऑयल भी गर्म ही है। एक बार में 3 फ्राई कर लेते हैं। चलिए तो एक साइड से हो गए हैं, ये देखिए सबको पलट देते हैं। ये इसको भी बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको मत बनाइएगा, या आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक अच्छी लेयर सारी पक जाएगी। बाकी के भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। लीजिए स्प्रिंग रोल तैयार है अब। चलिए तो फिर अपना ख्याल रखिए।